सफाई व्यवस्था में सुधार न होने पर वार्डवासियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा दिखाते हुए नगर निगम के वार्ड नंबर 54 में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। चारों ओर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, जिसमें उठने वाली बदबू से लोगों का जीना दुश्वार हो गया। क्षेत्रवासियों की शिकायत पर भी संबंधित अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही, मजबूरन लोगों को दुर्गंध में जीवन यापन करना पड़ रहा है। स्थानीय पार्षद और मेयर ने भी इस ओर से आंखें फेर ली हैं। लोगों का कहना है कि भाजपा पार्षद, कांग्रेसी मेयर एवं भाजपा विधायक भी क्षेत्रवासियों की समस्याओं का समाधान कराने में नाकाम साबित हो रहे हैं। ऐसे हालात में स्थानीय निवासियों ने आने वाले चुनाव का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी। नगर निगम क्षेत्र जगजीतपुर के वार्ड नंबर 54 गुरुकुल के खाली पड़े प्लाटों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसमें जमा कूड़े के ढेरों से उठने वाली बदबू से लोगों का बुरा हाल है। जगह जगह लगे कूड़े के ढेरों पर पार्षद का ध्यान नहीं है। सफाई व्यवस्था सुचारू न होने के चलते कई दिनों से पड़ा कूड़ा सड़ रहा है। इससे जगजीतपुर वार्ड में संक्रमण बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। लोगों का कहना है कि एक ओर भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान चलाकर पूरे देश को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं स्थानीय पार्षद एवं मेयर की बेरुखी के चलते क्षेत्रवासियों को गंभीर बीमारियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार शिकायत करने का भी कोई असर नहीं है। इसके चलते मजबूरन क्षेत्रवासियों को नगर निगम के खिलाफ आंदोलन का रास्ता अख्तियार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी नितिन चौधरी, सम्मी नारोला, ऋतिक ऋषभ ने कहा कि जल्द ही सफाई समस्या का समाधान न होने पर वार्ड के लोग नगर निगम का घेराव कर सफाई की मांग करेंगे। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार की रिपोर्ट।